अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। वेलकम करता हूँ आप लोगों को अपने चैनल में। बिना आप लोगों का टाइम ज़ाया किए, अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक कर लें। और मैंने बहुत सारी जॉब स्कॉलरशिप्स की वीडियोस बनाई हैं, उनको भी आप देख लें। तो आज की वीडियो यूज़फुल एब्रीवेशंस के बारे में, वो एब्रीवेशन जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उनका क्या मतलब होता है वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। जी तो यू कैन सी, पहला जो एब्रीवेशन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये जाहिर सी बात है मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं। मेन चीज़ ये नहीं है कि मैंने कॉपी की है या मैंने जो की है, मैं आप लोगों को नॉलेज दे रहा हूँ। दिस इज़ द मेन थिंग। जाहिर सी बात है कोई कॉपी करता है तो दूसरों को बताता है, तो मैं साफ़ कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा मैंने खुद बनाई है तो मैंने कॉपी की है कहाँ से, लेकिन मेन चीज़ें आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग सीख जाएंगे। दिस इज़ द मैन। सो SMS का आप लोग देख सकते हैं, शॉर्ट मैसेज सर्विस। इसके बाद FIR, आप लोग रोज़ाना सुनते हैं FIR, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका मतलब पता नहीं होगा। तो FIR स्टैंड फॉर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एंड देन आ जाता है GB, जो आप लोगों के मोबाइल में होता है कि मेरा मेमोरी कार्ड इतना GB है, मेरे मोबाइल में स्पेस 4 GB है। तो GB स्टैंड फॉर GB। उसके बाद CD आ जाता है जो आप लोगों के कंप्यूटर में होता है, कंपैक्ट डिस्क। CD स्टैंड फॉर कंपैक्ट डिस्क। दीज आर वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन, किसी भी टेस्ट में आ सकती है। इसके अलावा SSB के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग सीख लें। इसके बाद आ जाता है बाय, जो आप लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं किसी को जाते वक्त बाय। तो बाय का मतलब होता है बी विद यू एवरी टाइम। बहुत ही ज़बरदस्त अल्फाज का ये मजमूआ है, बी विद यू एवरी टाइम। सो दिस इज हर्ट टचिंग वर्ड्स कम्बाइंड टुगेदर। इसके बाद आ जाता है एम। हर की जाहिर सी बात है हर किसी का ज़िंदगी में कोई एम होता है, कोई मकसद होता है, लेकिन एम का मतलब क्या होता है? एम का मतलब होता है एम्बिशन एंड माइंड। इसके बाद आ जाता है सिम, जो आप लोग मोबाइल में यूज़ करते हैं। सिम स्टैंड फॉर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मोबाइल। के बाद WWW, रोज़ाना आप लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं उसमें दबाते हैं www.flan.com। तो WWW का क्या मतलब होता है? WWW का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद आ जाता है टी, टेस्ट एंड एनर्जी एमएचएच, जो आप लोग पीते हैं। इसके बाद आ जाता है पैन, परमानेंट अकाउंट्स नंबर, एंड देन कंप्यूटर। कंप्यूटर, अच्छा ये मेरे लिए भी नई चीज़ है, आई डोंट थिंक ये राइट भी है या नहीं, लेकिन राइट होगा क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं वो तो राइट है, तो ये भी राइट होगा। कॉमन ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च। सो ये राइट सा लग रहा है, इट मैं स्टैंड फॉर दिस, बट जो मुझे मिला है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जो बाकी है उनमें कोई डाउट नहीं है, ऑल दीज आर करेक्ट 100%। OTG ऑन द गो, एंड देन आ जाता है OS ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड देन HS हॉटस्पॉट, जो आप लोग मोबाइल में यूज़ करते हैं कि इंटरनेट शेयर करने के लिए ज़रूरी। जाहिर सी बात है आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ आप लोगों की इंटरेक्शन होती है कि यार ज़रा हॉटस्पॉट तो ऑन कर दे। सो वही चीज़ है, उसका शॉर्ट फॉर्म है HS हॉटस्पॉट। अच्छा मैन, जो चीज़ है जो आप लोग डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ओके, कोई भी आप लोगों को कोई चीज़ कहते हो आप लोग कहते हैं ओके, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका मतलब नहीं पता होता कि ओके इसका क्या मतलब है। तो ओके स्टैंड फॉर ऑब्जेक्शन कह लीजिए, एंड देन आ जाता है IMEI, जो आप लोगों के मोबाइल का नंबर होता है ट्रैकिंग, जिसकी वजह से आप लोगों का मोबाइल ट्रैक हो सकता है। तो IMEI स्टैंड फॉर इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। LED, जो क्या एक लाइट इमिटिंग, जिसका मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड। इसके लाइट्स भी हैं, इसके स्क्रीन्स भी हैं, तो ये और चीज़ हो गई। साथ में आ जाता है GPS ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, GPS जो लोकेशन एक्सेट्रा में यूज़ होता है। LCD, एक LED होता है और एक LCD होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ईट एनर्जी एंड टेस्ट, ETC एक्सेट्रा का शॉर्ट फॉर्म है ETC। HDMI जो कंप्यूटर सिस्टम में होता है, हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। अच्छा GPRS जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, एंड देन DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ATM पैसे निकालने के लिए। आप लोगों को पता होगा, ये तो सबको पता होगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन,
वाईफाई, ये बहुत सारे लोग वाईफाई को वाइफ कहते हैं, तो वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस फिडेलिटी डीपी। अच्छा ये पता है, ये मुझे भी नहीं पता था, मैं फेसबुक पे देखता था डीपी डीपी डीपी, मुझे कुछ पता नहीं था डीपी का मतलब क्या होता है। तो मुझे कुछ दिन पहले मेरे दोस्त ने बताया था कि डीपी का मतलब डिस्प्ले पिक्चर होता है, अभी आज मुझे ये चीज़ मिली है, सो दैट कन्फर्म मी। सो डीपी स्टैंड फॉर डिस्प्ले पिक्चर, अगर आप लोग ऐसी फेसबुक पे डीपी डीपी लिखते हैं तो आप लोगों को इसका मतलब पता होना चाहिए, इसका क्या मतलब है। सो डीपी स्टैंड फॉर डिस्प्ले पिक्चर। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम टूडेज वीडियो, होप यू लाइक डेट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिले।